हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जी डी सी ट्विटर के मेडिसिन सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन हिमानी फास्ट पेन रिलीफ ऑइंटमेंट के बारे में। जी हाँ, हिमानी का फास्ट पेन रिलीफ ऑइंटमेंट एक ऐसा ऑइंटमेंट माना जाता है जो कि बॉडी में अलग अलग प्रकार का जो दर्द होता है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, मोच होता है, उसको दूर करता है। जी हाँ, अब वो आपके चाहे कमर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, बैक में दर्द हो, अलग अलग प्रकार के जो जोड़ों के दर्द होते हैं, घुटनों के दर्द होते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, तनाव हो जाता है, जकड़न होती है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स के दौरान जब कोई इंजरी हो जाती है, इन सभी प्रकार के दर्द को, इन्फ्लामेशन को, सूजन को दूर करने के लिए हिमानी का फास्ट पेन रिलीफ ऑइंटमेंट लगाया जाता है और इसका फास्ट और तुरंत असर देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे हिमानी के फास्ट पेन रिलीफ ऑइंटमेंट के अंदर मेन साल्ट, मेन कंपोजिशन, मेन एपीआई क्या क्या मिला होगा, इसका उपयोग कहां कहां देखने को मिलता है, इसके काम करने का तरीका यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका, इसका डोज, इसका प्रिकॉशन, इसका साइड इफेक्ट, मतलब इस ऑइंटमेंट की हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। जी हाँ, हिमानी का फास्ट पेन रिलीफ ऑइंटमेंट बहुत ही बेहतरीन ऑइंटमेंट माना जाता है जिसके अंदर मेन एपीआई, मेन साल्ट, मेन कंपोजिशन, जी हाँ, यहाँ पे नीलगिरी ऑयल मिला होगा, लवंग यानी कि क्लोव ऑयल मिला होगा, गोल्टेरिया मिला होगा, विंटर ग्रीन ऑयल मिला होगा, यूकेलिप्टस ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, थाइमोल, मतलब सबके सब लगभग नेचुरल आयुर्वेदिक कंटेंट के द्वारा ये फास्ट रिलीफ ऑइंटमेंट एक चीता फॉर्मूला, जी हाँ, बहुत तेज एक्शन शो करता है ये ऑइंटमेंट। मैन्युफैक्चर की बात कर ले तो इमामी लिमिटेड के मैन्युफैक्चरर हैं। रूम टेम्परेचर पे इसे स्टोर किया जाता है और 23 ml के एक ट्यूब के ऑइंटमेंट की कीमत लगभग 80 से 90 के आसपास आ जाती है। बात करेंगे उपयोग की। जी हाँ, हिमानी का जो फास्ट पेन रिलीफ ऑइंटमेंट है ये आपके अर्थराइटिस का जो पेन होता है, गाउट, गठिया का पेन होता है, मसल में पेन हुआ, तनाव हुआ, खिंचाव हुआ, मोच आ गई, उसको ठीक करेगा। पीठ में यानी बैक में, रीढ़ की हड्डी में पेन हुआ, बहुत ज्यादा खिंचाव हो गया, मोच आ गई, ज्वाइंट जो जो भी है बॉडी के अंदर वहां पेन देखने को मिलता है, तो हिमानी का फास्ट रिलीफ ऑइंटमेंट वहां लगाया जाता है। साथ ही साथ इसका जो फायर और आइस फॉर्मूला है, जी हाँ, पहले गर्माहट देगा फिर कूलिंग सेंसेशन देगा। जी हाँ, फायर और आइस फॉर्मूला है जो कि मसल के स्टिफनेस यानी मांसपेशियों में जो जकड़न है, तनाव है, मांसपेशियों में मोच आई है, उसको दूर करता है। साथ ही साथ आपके अंदर जो पेन है, अलग अलग जो पेन है, उसको इफेक्टिवली ट्रीट करने का काम करता है अपना ये हिमानी का फास्ट रिलीफ पेन ऑइंटमेंट। बात करेंगे इसके काम करने का तरीका यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। देखिए, जो अलग अलग कंटेंट है सबका अलग अलग रोल होता है। सबसे पहले बात करेंगे थाइमोल की, तो एक तरह से आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन होती है जो कि पेन के अगेंस्ट वर्क करती है, पेन को दूर करने का काम करती है। टर्पेंटाइन ऑयल की बात कर लें तो ये मसल पेन हुआ, मसल में जो सोरनेस हुआ, तनाव हुआ, मोच आई, नर्व्स का पेन हुआ, इन सारे प्रकार के पेन के लिए टर्पेंटाइन ऑयल बेस्ट मानी जाती है। विंटर ग्रीन ऑयल की बात कर लें तो ये मसल यानी ये भी मसल पेन को दूर करेगी। साथ ही साथ यूकेलिप्टस ऑयल की बात कर लें तो जॉइंट यानी कि जब जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में जब स्टिफनेस होती है, उसको सूथ करेगा, उसके पेन को दूर करेगा। इस प्रकार से यूकेलिप्टस ऑयल काम करेगा। इसी तरीके से जो हमारा लवंग है, नीलगिरी ऑयल है, गोल्टेरिया है, ये भी किसी के अंदर एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होगी, किसी के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होगी, किसी के अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होगी। अलग अलग प्रॉपर्टी के द्वारा ये हिमानी के फास्ट रिलीफ पेन ऑइंटमेंट में अपना अपना वर्क प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं। बात करेंगे डायरेक्शन फॉर यूज, कैसे इस ऑइंटमेंट को आपको यूज करना है। देखिए, जो भी अफेक्टेड एरिया है, जहां भी आपको दर्द हो रहा है, जहां भी आपके मसल में तनाव है, खिंचाव है, मोच है, उस पे एक रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड अमाउंट आपको लेना है, थिन लेयर अप्लाई करना है और उसे जेंटली मसाज करते रहना है जब तक कि वो अब्जॉर्ब ना हो पाए ऑइंटमेंट, या जब तक डिसअपियर ना हो पाए, स्किन में पेनिट्रेट ना हो जाए, तब तक आपको मसाज करना है। साथ ही साथ इसको रिपीट भी कर सकते हो आप दिन में 2 से 3 बार, जब तक आपका पेन दूर ना हो पाए। साथ ही साथ आपके डॉक्टर जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से भी आप इसे यूज कर सकते हो। बात करेंगे इससे जुड़े कुछ प्रिकॉशन की, तो इस मेडिसिन, इस ऑइंटमेंट को आप अपने डॉक्टर के सलाह के बाद ही, आपकी कंडीशन देख के अगर वो एडवाइस करें तभी आप इसको लगाएं। साथ ही साथ बहुत ज्यादा यानी कि डोज जो भी बताया जाए उससे ज्यादा कभी भी ना लगाएं। सनलाइट से इसे दूर रखना चाहिए, इसे कूल प्लेस, ड्राई प्लेस और
इसे बच्चों से भी दूर रखना चाहिए। साथ ही साथ ओपन जो उंड है, कट है, बर्न है, इन जगहों पे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा इरिटेशन, जलन हो सकती है। सो डियर स्टूडेंट, ये था आपका हिमानी का फास्ट पेन रिलीफ ऑइंटमेंट, एक ऐसा ऑइंटमेंट जो कि कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, साथ ही साथ ज्वाइंट के पेन, साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स के दौरान इंजरी हो जाती है, मतलब हर प्रकार के पेन, सूजन, इन्फ्लामेशन, सोरनेस और स्टिफनेस के लिए ये हिमानी का फास्ट ऑइंटमेंट बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। इस ऑइंटमेंट की जानकारी आपको कैसी लगी? अगली मेडिसिन, अगली दवाई, अगला ऑइंटमेंट, अगला जेल किसके बारे में बताएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी तरीके से दर्द निवारक और जितने भी टैबलेट होते हैं, ऑइंटमेंट होता है, स्प्रे होता है, उसकी जानकारी चाहिए तो इस प्लेलिस्ट को आप जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच डियर, ऑल द वेरी बेस्ट।